इस धरती के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपरा, संस्कृति को बनाए रख उसमें प्रगति और खुशहाली के रंग भरने आए हैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का हृदय से स्वागत करते हैं। जिस धरती के हृदय में अतिथि सत्कार के भाव भरे हों, वो धरती देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहती है। राजस्थान की जनता की तरफ से राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से हमारा आग्रह है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान पूर्वक शॉल भेंट करें। मारवाड़ क्षेत्र के बुनकरों के हाथों का, उंगलियों का ये जादू है परंपरागत शॉल। और अब हम माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान से अनुरोध करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को आदर सम्मान का प्रतीक पगड़ी भेंट करें, साफा। हमारा निवेदन है माननीय श्री अमराराम चौधरी राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को चुनरी भेंट करें। अतिथि सत्कार की परंपरा और संस्कृति हर हृदय में यहां पर गुंजायमान है। हमारा आग्रह है माननीय खान मंत्री राजस्थान सरकार श्री सुरेंद्र पाल सिंह से की कृपया माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान को शॉल भेंट करें, उनका स्वागत करें। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण में आ गया है और इधर विकास का सूरज माननीय प्रधानमंत्री जी मानो स्वयं ही इस धरती को खुशहाली का आशीर्वाद देने पधारे हों। HPCL राजस्थान रिफाइनरी इस गौरव धरती को नए साल का तोहफा भी है और मकर संक्रांति की मीठी सौगात भी। इस शुभ और सुनहली बेला में हमारा निवेदन है माननीय खान मंत्री राजस्थान श्री सुरेंद्र पाल सिंह से की कृपया स्वागत संबोधन दें। बाड़मेर की मरुधरा पर बहुप्रतीक्षित राजस्थान रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ के ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर विराजमान देश के 125 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट, लौह पुरुष, कर्मयोगी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, CR चौधरी जी, PP चौधरी जी, आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, राजस्थान सरकार के सभी कैबिनेट के मंत्रीगण, सांसद महोदयगण, राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने पधारे हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णमय है। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा 43,129 करोड़ का पूंजी निवेश आज रिफाइनरी के माध्यम से होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, माननीय केंद्र सरकार के हमारे पेट्रोलियम मंत्री प्रधान जी के सहयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस परियोजना में राजस्थान का लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना में राशि की बचत होगी। ये बाड़मेर जिला जिसके अंतर्गत खनिज तेल के अपार भंडार हैं,
केयर्न्स इंडिया द्वारा 500 मिलियन टन खनिज तेल के भंडारण की प्रमाणित किए जा चुके हैं। 38 फील्ड में ये सारा तेल उपलब्ध है। इतने बड़े तेल के भंडार को प्रसंस्करण करने के लिए रिफाइनरी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जो आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। इस रिफाइनरी के साथ साथ जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित होगा, जिससे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के सभी जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और दूसरे, इनमें लघु उद्योग जो स्थापित होंगे और बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल लघु उद्योगों का हब बनेगा। 4 साल के इस निर्माण अवधि के अंदर यहां के लोकल जो लोग हैं उनको भी निर्माण सामग्री, परिवहन सेवाएं, कच्चा माल, बहुत से होटल, बहुत से अन्य सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा के अंदर भी इस क्षेत्र की कायापलट होगी। और ये राजस्थान के आने वाले राजस्थान का एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आपने इस क्षण को यहां राजस्थान में आपके कर कमलों से यह कार्य शुभारंभ होगा और इससे आने वाले समय में राजस्थान का आपने जो मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, राजस्थान हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। मैं यहां पधारे हुए सभी केंद्र सरकार के मंत्रियों का, राजस्थान के मंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सभी यहां के नागरिकों का, बहन भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। परिवर्तन की इस बयार में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पेट्रोलियम जैसा मंत्रालय भी गरीबों और जन सामान्य की सेवा में अनवरत लगा हुआ है। भारत का युवा कौशल विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहे हैं माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। इस विशाल जनसभा में उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के जननेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, यहां उपस्थित तमाम नेतृत्व, इस विशाल जनसभा में उपस्थित पश्चिम राजस्थान के भाई और बहनों, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, मीडिया के मित्रगण, मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक पवित्र कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं इस वीर भूमि को, मारवाड़ की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मारवाड़ ये भूमि है जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक धरोहर में अनेक योगदान किया है। भारत की सामाजिक जीवन को, भारत की संपन्नता को, भारत की संप्रभुता को मारवाड़ के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। मारवाड़ देश को अनेक चीज दिया है, लेकिन मारवाड़ अनेक दिनों से कई चीजों से वंचित था। मैं इस पवित्र भूमि को इसीलिए प्रणाम करता हूं। मित्रों, मां धरती ने इस भूमि में तेल दिया है, गैस दिया है, लिग्नाइट दिया है। इस भूमि ने, मां धरती ने, प्रकृति माता ने पश्चिम राजस्थान में विशेष करके बाड़मेर और जैसलमेर में ऊर्जा,
सौर शक्ति से अपार संभावना दिया है, सोलार एनर्जी दिया है, विंड पावर, पवन की आधारित ऊर्जा की संभावना दिया है, तेल, गैस, सोलर, विंड, लिग्नाइट की ये पांचों को मिलाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे सभ्यता में शक्ति के लिए सात रथ चाहिए, अश्वमेध के लिए सात रथ चाहिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इस जिले में सात में से पांच रथ हैं, ये तो नया भारत की शक्तिपीठ है, यही शक्तिपीठ को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इसीलिए शुभ घड़ी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की काम शुभारंभ होगा। काम शुभारंभ होगा 9 मिलियन टन कैपेसिटी की। भारत में सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री जी की पण है। भारत की हर एक घर को उन्होंने जिम्मेवारी लेने के बाद ठान लिया था भारत की सामान्य लोगों को ऊर्जा से वंचित नहीं कर सकते हैं। 2017 दिसंबर 31 तक भारत में कोई गांव नहीं है जिस गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली ना पहुंचा हो। ये प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी योजना की पराकाष्ठा है। हमने पण किया है 2018 आते आते भारत की 4 करोड़ गांव में बिजली पहुंचाएंगे, स्वच्छ ईंधन पहुंचाएंगे, एलपीजी पहुंचाएंगे। आज इसीलिए ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, ये जो प्रकल्प की प्रायोजन की शुभारंभ किया जा है, 43,000 करोड़ रुपया की निवेश में पहली बार देश में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पहली बार मित्रों, अनेक रिफाइनरी बनी है भारत में, रिफाइनरी बनी है बाद में पेट्रोकेमिकल जुड़ी है। आप लोग सौभाग्यशाली हो, प्रधानमंत्री जी को जब ये पता चला उन्होंने रुचि लेके योजना बनाई, समय के हिसाब से बनाई। आज इसीलिए हमने कोई शिलान्यास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को यहां विनती नहीं किया था आने के लिए। आपकी गरिमामय उपस्थिति, आज से 500 करोड़ रुपया के काम हमने योजना बना के रखी है, आज से वो काम शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में इस रिफाइनरी को समय के पहले 2022-23 का हमने लक्ष्य रखा है, यहां हमने उसको पूरा करना है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगी, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, एलपीजी बनने के बाद प्लास्टिक के उपक्रम बनेंगे, टेक्सटाइल के उपक्रम बनेंगे। यहां के बालोतरा के लोग सूरत जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वहां की डाइंग इंडस्ट्री यहां भी जुड़ी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की सफल मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी की सफल नेतृत्व में इस इलाका में भी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल, औषध की नई दुनिया जुटेगी। यहां केन की उत्पादन क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त निवेश हो रहा है। मित्रों, आने वाले दिनों में 2-5 साल के अंदर इस इलाका में 1,00,000 करोड़ रुपया की निवेश होने का योजना हमने बनाई है, हमने संकल्प किया है, हमने उसको सिद्ध भी करना शुरू किया है। यहां की लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने की योजना बनेगी। मित्रों, इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग कौशल्य वर्धन विभाग बनाई है, मेरे को सौभाग्य है उस विभाग की कामकाज भी मेरे पास है। आने वाले दिनों में यहां के नौजवान यही काम सीखे, पढ़ाई के साथ काम सीखे, रिफाइनरी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखे, पेट्रोकेमिकल के बारे में सीखे, तेल, गैस, सोलर, विंड, ये सारे ऊर्जा क्षेत्र की बारे में जानकारी ले। एक विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार ने बनाई है, मैंने प्रधान मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है उसकी एक कैंपस बाड़मेर में भी खुले, हम पेट्रोलियम सेक्टर के लोग उसकी पार्टनर बनना चाहेंगे, राजस्थान सरकार की शिक्षा में हम गुणवत्ता लाना चाहेंगे। मित्रों, इस इलाका में, इस रेगिस्तान में अनेक पानी की संभावनाएं है, सरस्वती नदी के इलाका, इसे यहीं से सरस्वती नदी जाती थी। पानी के बारे में यहां की जो खारा पानी है, हमने एक विशेष कार्यदल बनाए हैं, टास्क फोर्स बनाए हैं, ऑयल इंडस्ट्री के लोग, राजस्थान सरकार,
ये दोनों मिलके यहाँ की जमीन की पानी को ऊपर ले आने के लिए यहाँ अपार संभावना है सोलार की। सोलार की बिजली से पानी को भूतल से ऊपर ले आके 20 सालिनेशन प्लांट लगा के रेगिस्तान में पानी की देने की आज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। हमारी माननीय प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, कल इजराइल की प्रधानमंत्री भी भारत पहुंचे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी देश दुनिया से प्रधानमंत्री रेगिस्तान तक लेके आएंगे, रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाने के लिए हमने योजना बनाई है। मित्रों, मैं आपको स्वागत करने के साथ एक विषय मेरे मन की बात आज आपके सामने कहना चाहूंगा। कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अनावश्यक विवाद खड़ी की जाती है कि हमने तो पत्थर रखा था, शिलान्यास किया था, मोदी जी को क्यों आप लोगों ने बुलाया है। मैं विनम्रता से प्रश्न उठाना चाहता हूं, राजस्थान की जनता यहां बैठा है, देश दुनिया की राजस्थानी इसको देख रहा है। चुनाव की पांच दिन पहले आपने ये तथाकथित पत्थर आपने रखा था, किसके हाथ में पत्थर आपने रखा था। मैं समझ सकता हमने अपने प्रधानमंत्री जी को बुलाया काम शुरू करने के लिए, अगर आपको पत्थर रखना था आप आपकी प्रधानमंत्री को बुलाते, आपके मुख्यमंत्री उनको निमंत्रण करते। सोनिया जी को क्यों बुलाई थी? क्या राजस्थान की लोगों ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाई थी? आपकी निष्ठा नहीं थी, आप राजस्थान के नौजवानों को धोखा देने की षड्यंत्र किया था। बताइए मित्र, पंचायत में आप घर बनाते हैं तो आपको एक अनुमति लगती है, शहरों में घर बनाते हैं दो तीन अनुमति आपको लगती है। आपने हजारों करोड़ की रिफाइनरी की नींव रखी, सोनिया जी के हाथ में रखी। एक मैंने अशोक गहलोत साहब को कहा था, गहलोत साहब हमें चाय पे बुलाइए, आपकी उन दिनों की एक पन्ने की अनुमति की कागज दिखा दे दीजिए। जंगल की अनुमति नहीं था, पर्यावरण की अनुमति नहीं था, कौन सी प्रकार कौन सी टेक्नोलॉजी आएगा इसकी स्पष्टता नहीं थी, जमीन नहीं था। चुनाव की पहले सोनिया जी को बुला के राजनीतिक धोखाबाजी आपने राजस्थान के नौजवानों के साथ किया था। आज हमने निवेश की योजना बनाई है, राजस्थान के आपने हित को बंधक रखा था, गिरवी रखा था। वसुंधरा जी आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अनुरोध किया, राजस्थान के नौजवानों को हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी पुनर्विचार करनी चाहिए। हमने उसको आज नए मसौदा तैयार किया है, कार्य योजना आज शुरू करेंगे। मित्रों, इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की पुरानी फितरत है, गुजरात में 2008 में, वो तो उन दिनों में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री गुजरात के थे, आपको मोदी जी से नाराजगी थी, आपने गुजरात की जनता की हजारों करोड़ रुपया रॉयल्टी की बंद किया। कांग्रेस पार्टी की मैं आज चिट्ठा खुलना चाहता हूं, उन दिनों में मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, आसाम के नेता होते थे, आसाम से राज्यसभा मेंबर होते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आसाम में भी थी, आपकी नाराजगी हुई माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, आपने गुस्सा उतारा गुजरात की जनता पे। गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर रही आई है, आसाम में आपकी सरकार थी, प्रधानमंत्री आसाम को प्रतिनिधित्व करते थे, आसाम की हकमारी भी आपने किया है। कांग्रेस पार्टी अपनी छोटी राजनीति के लिए, अपनी दलगत राजनीति के लिए सदैव इस देश की नौजवानों को, महिलाओं को, सामान्य लोगों को धोखा दिया है। मित्रों, आज हम लोग आज संकल्पबद्ध है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो कहा है उसको करेंगे, वो करके दिखाएंगे। हमने संकल्प लिया है नया भारत बनाने के लिए, हमने संकल्प लिया है नया राजस्थान बनाने के लिए। इस पवित्र कार्यक्रम में आप सबकी सादर उपस्थिति के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय। हर राह
राजस्थान की अब विकास की ओर जाती है। राजस्थान वासियों, राजस्थान के कोने कोने को अपनी कर्मठता से उज्जला बना रही हैं राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के हमारे साथी और उपस्थित सभी बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रदेश के 7.5 करोड़ राजस्थानियों की ओर से इस मरुधरा के ऊपर हार्दिक स्वागत करती हूं, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार मालूम पड़े। आज जोर से आज राजस्थान के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐसा सुनहरा मौका है। और मैं याद दिलाऊंगी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नारे को साकार करते हुए गुजरात चुनाव जीतने के बाद जोरदार तरीके से जिया था। आपको याद होगा, जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा, विकास पुरुष के नाम से सब लोग जानते हैं उनको। और मैं आज आपको यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा का कार्यक्रम आज होने जा रहा है और आपके कर कमलों द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। उसके लिए हजारों हजारों की संख्या में यहां उपस्थित मरुधरा के निवासी आपको प्रणाम करके आपका यहां जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने सही कहा था कि रेगिस्तान की मिट्टी सोना बदलती है, और इस परियोजना की जो परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुई, क्योंकि 2005 और 2008 के बीच में यह सपना हम लोगों ने पहली बार देखा था। तेल का पहला कुआं जिसका नाम था मंगला, भाजपा शासनकाल के अंदर खुद गया था, और भाजपा शासनकाल के अंदर ही आज ऐतिहासिक परियोजना के कार्य का शुभारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे विकास पुरुष के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। रिफाइनरी की हमारी सोच पर जब कांग्रेस आई तो याद आपको होगा कि 4 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वाकई में कुछ भी नहीं किया। और जब चुनाव का समय आया तो जल्दीबाजी में घोषणा करके और 10 दिन पहले अफरा तफरी में अपने हाई कमांड को बुला के आनंद फानन के अंदर शिलान्यास किया, सोनिया गांधी को बुलाया और जोरदार तरीके से यहां उसकी आवाज उठाने की कोशिश की। आप सब यहां बैठे हैं, आपको याद है कि उस समय जमीन के ऊपर भी यह समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी जमीन के ऊपर यह शिलान्यास होगा। क्या यह जमीन लीलावली की तरफ होगा, क्या यह जमीन और कहीं होगा? परंतु आखिर में वो यहां पचपदरा के पास हुआ, जिस जमीन को सरकार के पास पहले से ही थी। ये पहले आराम से कर सकते थे, परंतु आप लोग सब जानते हैं कि उनकी नियत कैसी थी, और उस नियत के हिसाब से उन्होंने इस परियोजना के साथ भी बड़ा खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई भी बड़ी योजना होती है तो उसकी तैयारी के लिए बातचीत, विचार, चिंतन, बात, तैयारी, ये सब करने की जरूरत होती है। मैं मानती हूं कि सिर्फ लोक लुभावनी घोषणा के साथ साथ अगर कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए तो मालूम नहीं राजस्थान के अंदर कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट खड़े हो जाएं।
राजस्थान में करीबन आज इस कांग्रेस के 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के पत्थर अलग अलग जगह के ऊपर लगे हुए हैं, और यह सिर्फ वोट पाने के लिए, इनका कोई बजट का प्रावधान तक नहीं था। और अभी लिखते हैं पत्र प्रधानमंत्री जी को कि दोबारा शिलान्यास न कीजिए। शिलान्यास नहीं भाई, हम पूरी तैयारी के साथ परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं, आप जैसे नहीं। इसके बाद ये परियोजना आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं रहेगी। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहती हूं। 1 महीने पहले परवन नदी का हल्ला मचाया कांग्रेस ने, हम लोगों ने 4 साल से इस परवन नदी के ऊपर मेहनत की, 8,000 करोड़ की इतनी बड़ी स्कीम हम लोगों ने 4 साल के अंदर उसके ऊपर बातचीत करके वहां काम चालू किया, तब हमने बड़ा इस तरीके का फंक्शन किया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां भी राहुल गांधी जी का पत्थर लगा हुआ था। 17 दिन पहले चुनाव के उन्होंने सितंबर के महीने में वहां पत्थर लगा के ये घोषणा कर दी थी कि परवन की योजना चालू हो गई है। मैंने कहा कि अगर एक गाड़ी घुमाए पूरे राजस्थान के अंदर तो मालूम नहीं ऐसे कितने सारे पत्थर हमको उठाने को मिल जाएगा। रिफाइनरी लगाने का काम भाइयों आसान नहीं है, बहुत कुछ इसके लिए करना पड़ता है। जमीन की लीज डीड होनी चाहिए, ऐसे ही जमीन नहीं होती है, जमीन की लीज डीड होनी चाहिए, वो लीज डीड नहीं थी। एनवायरमेंट की क्लियरेंस होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। और तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण होना चाहिए, वो भी नहीं था। कितना कर्ज देना है राज्य सरकार को, वो भी नहीं सोचा था। क्या नफा क्या नुकसान, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया था। मार्केटिंग टर्मिनल नहीं था। और अग्रीमेंट तो दस्तखत कोई भी कर सकता है, परंतु अगर ये सब काम नहीं होते हैं तो अग्रीमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब रहा ही नहीं। ये सब हमको करना पड़ा पिछले 4 साल के अंदर। केंद्र सरकार के सहयोग से और विशेषकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अभूतपूर्व सहयोग से, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं, उनके और उनके अधिकारियों के अथक प्रयासों से, हमारे अधिकारियों के अथक प्रयासों से, सब लोगों ने बैठ के निगोसिएशन करके आज सब कागज पत्री को तैयार करके जनहित को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी रिफाइनरी और पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने की शुरुआत की है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और HPCL तीनों को गर्व होगा। और सबसे बड़ा फायदा हमारे राजस्थान और राजस्थान की जनता को है, जिसके लिए बारंबार हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। 37,229 करोड़ रुपया की परियोजना की लागत तब की, अब तो 43 करोड़ रुपया हो गया है। उस समय ब्याज मुक्त कर्ज राजस्थान सरकार 56,000 करोड़ रुपया देने की तैयारी में थी, मतलब परियोजना लागत से 1.5 गुना कर्ज कांग्रेस सरकार देने जा रही थी। और यह सब पूरा भार आपके और हमारे ऊपर पड़ता भाइयों। हमने 56,000 करोड़ रुपए की कर्ज की जो बातचीत की, तब 40,000 करोड़ उसमें से कम करवाए, और आज अगर हम कर्ज दे रहे हैं तो सिर्फ 16,000 करोड़ रुपया का कर्ज हम लोगों ने उसको कम करके आप उनको दे दिया है। और सुनो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, मैंने इसका रिटर्न जो होता है वो 6%, मतलब अगर धंधे में 1 रुपया लगाते हो तो सिर्फ 6 पैसे मिलते हैं। ये था कांग्रेस का नफा नुकसान का हिसाब। और हमारी सरकार आते ही 1 रुपये के ऊपर 12 पैसे का फायदा भाइयों, डबल फायदा, दुगना फायदा करने का काम इस सरकार ने किया है। और यह कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने जनता को अपने ध्यान में रखा। हमने अपने बारे में नहीं, अपनी पार्टी के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, अपनी जनता और अपने इस क्षेत्र के बारे में सोचने का काम किया। फिर अगर प्लांट की ओर अगर आप देखें तो ऐसा आधुनिक प्लांट लगा है, जो पहले था उससे कई गुना आधुनिक।
और बाड़मेर के क्रूड, अगर ये तेल अगर नहीं इस्तेमाल होता है तो ये मान के चलिए कि कोई भी क्रूड आ जाता है तो ये प्लांट के अंदर वो क्रूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो भाइयों, हम पत्थर लगाने में नहीं, हम इमारत बनाने में विश्वास करते हैं और हम सपना नहीं दिखाते, हम लोग हकीकत को, सपने को अपने हकीकत में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज इतना बड़ा काम आपके सामने हो रहा है। और आज मैं विश्वास करके जाती हूं और आप सबको कह के जाती हूं कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसका उद्घाटन भी 2022 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी करके जाएंगे, उनके ही हाथों से ये बात होगा। मुझे ये बतलाते हुए आप लोगों को सबको खुशी है कि रिफाइनरी कम जो पेट्रोलियम हमारा सेंटर है, पेट्रोकेमिकल ब्रांच की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो रोजगार मिलेगा वो हमारे बच्चों को मिले। अगर हमारे बच्चों को रोजगार देना है तो ऐसी परिस्थितियां हम बनाएं जिन परिस्थितियों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ लिख के, सोच समझ के अपने पैर पे खड़े हो जाएं, ताकि जो भी काम इस पेट्रोकेमिकल से होता है उस काम के अंदर हमारे बच्चे लगे, किसी को बाहर से यहां आने की जरूरत ही नहीं हो। इस इलाके के अंदर सोलर पॉलिसी बनी है, ऐसी सोलर पॉलिसी बनी है जिसमें किसानों को विकास के अंदर हमने भागीदार बनाने का काम किया है। अगर आप किसान चाहता है तो भाइयों, सोलर पावर प्रोजेक्ट को अपने खेत के अंदर वो खुद स्थापना कर सकता है, उसको किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। हमने किसानों को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया है और इस क्षेत्र के अंदर 4 वर्षों के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। मैं ये कहना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं कि ये पहले 5 साल में क्यों नहीं हो सका। आने वाले 1 वर्ष के अंदर 2255 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन भादला क्षेत्र के अंदर विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है भाइयों, सबसे बड़ा। और अब नोक जिला जैसलमेर में 1000 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनने जा रहा है, इसकी स्थापना होने जा रही है। सब जैसलमेर वाले बैठे हुए हैं, मैं आप लोग सबको बताना चाह रही हूं, इसका फायदा आप लोग सबको वहां मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर कई मुसीबत है इस क्षेत्र की तो पानी की ज्वलंत समस्या है। राजस्थान जैसा प्रदेश, पूरे प्रदेश में पानी की कमी और उस पानी के ऊपर राजनीति, पेयजल की भयंकर किल्लत को देखते हुए पिछले बार हम लोगों ने पोखरण, फलसूंद, बालोत्रा, सिवाना लिफ्ट परियोजना की शुरुआत की थी। कांग्रेस अगर चाहती तो इसको अपने 5 साल के अंदर पूरा करके मीठा पानी पिलाने का काम कर सकती थी, परंतु नहीं किया। और अब दोबारा फिर हमने इसको हाथ में ले लिया है और सितंबर 2018 तक भाइयों इसको पूरा करके जैसलमेर के 177 गांव, बाड़मेर के 403 गांव और बालोत्रा और सिवाना के अंदर मीठा पानी उपलब्ध करके हम छोड़ेंगे, ताकि आप भारतीय जनता पार्टी को याद करोगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया था, उन्होंने ये कहा था कि नगर के अंदर, राजस्थान के अंदर पानी इकट्ठा करने की बावड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के अंदर बहुत जगह के ऊपर पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो। उन्होंने कहा कि इसको शहरों के अंदर भी आप जोड़ने की कोशिश करो। और उनको ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि 220 बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है और आने वाले समय के अंदर 214 और बावड़ियों का कार्य हम पूरा करने जा रहे हैं भाइयों। इसका फल क्या हुआ, मुझे बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए कि भूजल के अंदर जो स्तर था उसकी बढ़ोतरी हुई और आज
टैंकर से जितना पानी हमको दिया जाना देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ रहा है, 56% उसमें गिरावट हुई है और 63% सूखे हैंडपंप में पानी आ गया, सूखे हैंडपंप में पानी आ गया और 47 हेक्टेयर कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि माने उत्पादन हुआ है और उत्पादन के अंदर वृद्धि हुई है। कृषकों की आय दुगुनी करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है और आज मुझे बड़ी खुशी हुई दिखाते हुए आपके थार जो अनार देखने को मिला, जो लोगों ने इतना सुंदर तरीके से थार के इस इलाके के अंदर अनार उगाया है उस अनार की तस्वीरों को दिखाने का मुझे मौका मिला। आज मैं सिर्फ एक ही चीज प्रधानमंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगी, आज जोधपुर आपके जिले से जुड़ गया है, हम लोग इस कोशिश में हैं कि जैसलमेर को भी बाड़मेर से रेल से अगर जुड़ता है और वो पानी और वो रेल की लाइन अगर हम लोग मुंद्रा तक ले जा सकते हैं तो ये सब इतना बड़ा काम जो अब आप कर रहे हो, खनिज का काम, सोलर का काम, तेल का काम, गैस का काम जो अभी होने जा रहा है जैसे अभी बता रहे थे, वो सब काम बंदरगाह के साथ आगे चल के जोड़ सकते हैं। पानी को भी साफ करके लाने की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, उसके बारे में हमने उनको आगाह किया था परंतु अभी धर्मेंद्र जी ने उसके बारे में बताया कि इस तेल के कुएं के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अथाह पानी का समुन्दर है, उस पानी के समुन्दर को भी अगर हम लोग साफ कर सकते हैं तो वो साफ पानी पूरे बाड़मेर के इलाके में मिल सकता है। मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि एक बहुत बड़ा काम है, इस काम के अंदर जिस तरीके से आज 43,000 करोड़ रुपया यहां लग रहे हैं उसी तरीके से अपने बाड़मेर के भाग्य में लिखा है, ये तो नाकोड़ा जी की भूमि है या आसोत्रा धाम की भूमि है या जसोल माता की भूमि है। कल मैं वहां दर्शन करके आई थी और मैंने यही प्रार्थना की थी कि प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हम लोग सबको आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि ये इलाका फले फूले समृद्ध हो, अपने पैर पे खड़ा हो जाए और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम फिर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर ही नहीं इस प्रदेश के अंदर विकास का परचम लहराने का फिर से काम करेंगे। अब जोर से दोनों हाथ ऊपर करके बता दो कि यहाँ विकास का परचम लहरेगा और अंत में एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी प्रदेशवासियों की ओर से आभार प्रकट करती हूँ और उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया है उसके लिए मेरा बहुत सारा धन्यवाद और मुझे विश्वास है कि ये दो काम और हो जाएंगे तो इस बाड़मेर की माने तरक्की के अंदर 4 चांद और लग जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग चल के इतनी सारी संख्या में सुबह 6:30-7 बजे से लेके यहाँ तक आके बैठे हो, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भी इस चीज को समझ रहे हो कि आज उनके यहाँ आने से एक इतिहास का पन्ना पलटा है और बाड़मेर की वृद्धि और तेजी से आगे बढ़ेगा बाड़मेर। यही कहने के साथ एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग दोगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। HPCL राजस्थान रिफाइनरी के आ जाने से यहाँ इस क्षेत्र में प्रगति, समृद्धि, अवसर, विकास, खुशहाली, भरपूर रोजगार का बसंत नई बहार लाने वाला है और यही है न्यू इंडिया की नई खुशबू जिससे राजस्थान भी सुवासित है। चलिए हम आपको अब HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पर एक फिल्म दिखाते हैं। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस बहियो महारो प्यारो राजस्थान मायड़ो धरती मरु धरा आ वीरारी खान नगकण हीरा निभजे तेरो धरती रे पान इतिहास रे सागे आज ने मिलती
हवारे सागे हिलोड़ा खाउती ऊंचे महल री जाड़ी हूँ मैं तो एक कहानी हूँ मैं सूर वीरतारी निशानी हूँ मैं रंगारी दीवानी हूँ सोनेरी रेत में सुहानी हूँ मैं सदियां पुरानी हूँ मैं तो एक कहानी हूँ अब वक्त आई क्यों है एक नवी कहानी लिखन रो समृद्धि री कहानी तरक्की री कहानी खुशियां री कहानी पधारो हुकुम खुद ही देख ले रहा HPCL और राजस्थान री साझेदारी री दुवी कहानी एक कहानी समृद्धि री जगह राजस्थान में जल्द ही हकीकत बनन वाली है राजस्थान रिफाइनरी जनहित में नई सोच सही फैसले खुशहाल राजस्थान खुशहाल राजस्थानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बुलंद इरादों की निशानी ये रिफाइनरी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के अडिग फैसलों की कहानी ये रिफाइनरी जो पलटने वाली है राजस्थान की तकदीर सोचिए जब जनहित के लिए एक साथ 43,129 करोड़ रुपए का निवेश आएगा राजस्थान में समृद्धि की विशाल लहर बिखराएगा विश्व स्तरीय तकनीक से बनेगी ये रिफाइनरी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से छलकेगी ये रिफाइनरी बड़े बड़े हवाई जहाज इस धरती पर उतरेंगे राहत तक बैठे युवा दिलों में सपने खिलेंगे कोई काम करने वाले लोगों को ढूंढता हुआ आएगा कोई काम करने को बेताब खड़ा होगा गांव गांव में तालीम के मेले लगेंगे रोजगार के सैकड़ों द्वार खुलने लगेंगे व्यापार धंधे का तो फिर क्या ही कहना अब बिना काम के कोई ना रहेगा करोड़ों महिलाओं को LPG का स्वच्छ ईंधन दे रही है ये मोदी जी की सरकार सच में कमाल कर रही है आगे भी उद्योगों और निवेशकों के लिए सुनहरा दौर शुरू होगा सदियों पुरानी परंपराओं का भविष्य की तकनीक से मिलाप जो होगा फिर देश विदेश में राजस्थान का रोशन नाम भी तो होगा और ये सारे सपने सच करने का वादा है HPCL और राजस्थान सरकार की साझा कंपनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का चालो मिलर लिखा राजस्थान री कहानी रो नयो किस्सो ताकि राजस्थान बने न्यू इंडिया रे निर्माण रो बहुत मोटो हिस्सो राजस्थान रिफाइनरी जनहित में नई सोच सही फैसले खुशहाल राजस्थान खुशहाल राजस्थानी जी हाँ HPCL राजस्थान रिफाइनरी खजाना है अवसरों का रास्ता है कई रोजगारों का उद्घोष है विकास का हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के कार्य की शुभ शुरुआत करें रिमोट द्वारा उद्घाटन पट्टिका का अनावरण करके जी हाँ विकास का उद्घोष विकास का शंखनाद राजस्थान के विकास का शंखनाद इस क्षेत्र के विकास का शंखनाद बाएं हाथ की तरफ उद्घाटन पट्टिका का अनावरण और दाएं तरफ आप देख रहे हैं इस रिफाइनरी का लोगो ये क्षेत्र के विकास का इस क्षेत्र की खुशहाली का सूर्य पर्व है राजस्थान वासियों मकर संक्रांति की ये मीठी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान वासियों आज भारत अपने भाग्य पर इतरा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा अद्भुत नेतृत्व पाकर माननीय प्रधानमंत्री जी वादे दृढ़ इरादे के साथ करते हैं और जन जन के एक एक सपने को सच की जमीन पर उतार कर दिखाते हैं
आज आपके द्वारा की गई ये शुभ शुरुआत इस क्षेत्र के विकास का तोरण द्वार है माननीय राजस्थान की शान को समृद्धि से संवारने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सभी को संबोधित करें, हम सभी को शुभकामनाएं दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सीआर चौधरी जी, पीपी चौधरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान सुरेंद्र गोयल जी, श्रीमान अमराराम जी, सुरेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी, ओटाराम देवासी जी, श्रीमती कमसा मेघवाल जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान देवजी पटेल, कर्नल सोनाराम जी, श्रीमान रामनारायण जी डूडी, श्रीमान नारायण लाल पंचारिया जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खम्मा गणे, नमस्कार। दो दिन पहले ही हिंदुस्तान के हर कोने में मकर संक्रांति का पर्व मना गया और मकर संक्रांति के बाद एक प्रकार से उत्क्रांति का संकेत जुड़ा हुआ होता है। संक्रांति के बाद उन्नति अंतर्निहित होती है। मकर संक्रांति के पर्व के बाद राजस्थान की धरती पर पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जावान बनाने का एक अहम प्रयास, एक अहम इनिशिएटिव, एक अहम प्रकल्प, उसका आज कार्य आरंभ हो रहा है। मैं वसुंधरा जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कार्य आरंभ करने का कार्यक्रम बनाया और इसके कारण आने वाले दिनों में कोई भी सरकार हो,
कोई भी नेता हो, जब पत्थर जड़ेगा तो लोग पूछेंगे पत्थर तो जड़ दिया, कार्यारंभ की डेट तो बताओ। और इसलिए इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश में एक जागरूकता आएगी कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। जब कार्यारंभ होता है तब सामान्य मानवीय को विश्वास होता है। मुझे खुशी है इस पूरे क्षेत्र की विकास यात्रा में शरीक होकर के ये कार्यारंभ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब मुझे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहे थे अफसर, सारी बारीकियां बता रहे थे, अभी सब कुछ बता दिया उन्होंने, उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी को हमने सारी जानकारी दे दी है, तो मैंने उनको पूछा उद्घाटन की तारीख बताइए। और मुझे विश्वास दिया गया है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, 2022 भारत के वीरों ने, आजादी के सेनानियों ने, किसी ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी, किसी ने फांसी से तख्त पर चढ़कर के वंदे मातरम के नाद को ताकतवर बनाया, आजाद हिंदुस्तान, भव्य भारत, दिव्य भारत, इसका सपना देखा, देश आजाद हुआ, 2022 में आजादी के 75 साल हो जाएंगे। यह हम सबका दायित्व है, हर हिंदुस्तानी का दायित्व है, 125 करोड़ नागरिकों का दायित्व है कि हम 2022 में जो सपने आजादी के दीवानों ने देखे थे वैसा हिंदुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे। ये समय संकल्प से सिद्धि का समय है। आज यहां पर आपने संकल्प लिया है कि 2022 तक इस रिफाइनरी का कार्यारंभ कर देंगे। मुझे विश्वास है ये संकल्प सिद्धि बनकर के रहेगा, और जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा तब यहां से देश को नई ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मैं राजस्थान सरकार को, श्रीमान धर्मेंद्र जी के विभाग को, भारत सरकार के प्रयासों को और आप सभी मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाड़मेर की ये धरती, ये वो धरती है जहां रावल मल्लीनाथ, संत तुलसाराम, माता रानी भटियाणी, नागणेशी माता, संत ईश्वरदास,
संत धारू जी मेघ न जाने कितने अनगणित सात्विक संत जगत के आशीर्वाद से पली बढ़ी ये बाड़मेर की धरती। मैं आज उस धरती को नमन करता हूं। पचपदरा की यह धरती स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय गुलाब चंद जी सालेचा की कर्मभूमि, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के पहले उन्होंने यहां पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस क्षेत्र में पीने का पानी लाने में, ट्रेन लाने में, पहला कॉलेज खोलने में गुलाब चंद जी को हर कोई याद करता है। मैं पंचपदरा के इस सपूत को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज इस धरती पर भैरव सिंह शेखावत जी को भी याद करना चाहता हूं। आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए, संकटों से मुक्त राजस्थान बनाने के लिए और इस बाड़मेर में इस रिफाइनरी की सबसे पहला कल्पना करने वाले भैरव सिंह शेखावत जी को भी मैं आज स्मरण करता। आज मैं जब बाड़मेर की धरती पर आया हूं तो यहां उपस्थित सबसे मैं आग्रह करता हूं कि हम सब अपने अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करें कि इसी धरती के सपूत श्रीमान जसवंत सिंह जी, उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए और उनके अनुभव का लाभ देश को मिले। हम सब उनके उत्तम स्वास्थ्य और जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच आए, ऐसी प्रार्थना हम सब करें और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से हमारे देश में इतिहास को भुला देने की परंपरा रही, वीरों को उनके त्याग और बलिदान को हर पीढ़ी ने मान सम्मान के साथ स्मरण करके नया इतिहास बनाने की प्रेरणा मिलती है और वो लेते रहना चाहिए। आपने देखा होगा इजराइल के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। 14 साल के बाद वे यहां आए हैं और देश आजाद होने के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल की धरती पर गया था।
और मेरे देशवासी, मेरे राजस्थान के वीरों, आपको गर्व होगा कि मैं इजराइल गया समय की छींचातानी के बीच भी, मैं हाइफा गया और वहां जाकर के प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा को मुक्त कराने के लिए आज से 100 साल पहले जिन वीरों ने बलिदान दिया था उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था। और उसमें नेतृत्व किया था इसी धरती के वीर संतान मेजर दलपत सिंह जी ने। मेजर दलपत सिंह शेखावत सौ साल पहले इजराइल की धरती पे प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व करते हुए हाइफा को मुक्त किया था। दिल्ली में एक तीन मूर्ति चौक है, वहां तीन महापुरुषों के वीरों के साथ मूर्तियां हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते ही हम दोनों सबसे पहले इस तीन मूर्ति चौक में गए। वो तीन मूर्ति चौक उस मेजर दलपत सिंह के बलिदान की याद में बना हुआ है। और आज इस बार हमने इजराइल के प्रधानमंत्री भी वहां नमन करने आए, हम दोनों वहां गए और उस तीन मूर्ति चौक का, तीन मूर्ति हाइफा चौक, ताकि इतिहास याद रहे, मेजर दलपत सिंह शेखावत याद रहे, मेरे राजस्थान की वीर परंपरा याद रहे, ये काम अभी दो दिन पहले करने का मुझे सौभाग्य मिला। भाई बहनों, ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। शायद बलिदान की कोई इतिहास की घटना ऐसी नहीं होगी कि जिसमें मेरी इस वीर धरती के महापुरुषों का रक्त से उसको अभिषिक्त न हुई हो। और मैं ऐसे सभी वीरों को आज यहां प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान में तो मैं पहले बहुत आता था, संगठन का काम करने के लिए आता था, पड़ोसी का मुख्यमंत्री रहा उसके कारण आता रहता था, इस इलाके में भी कई बार आया हूं और हर बार एक बात सामान्य मानवी के मुंह से सुनता रहता था कि राजस्थान में कांग्रेस और अकाल ये जुड़वा भाई है। जहां कांग्रेस जाएगी वहां अकाल साथ साथ जाता है। और वसुंधरा जी के भाग्य में लिखा हुआ है, जब भी उनको सेवा करने का मौका मिला इस सूखी धरती को पानी मिलता रहा। भाइयों बहनों, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है।
राजस्थान को आगे लेके जाना है। राजस्थान के विकास की यात्रा को देश के विकास में एक नई ताकत देने वाला राजस्थान है और वो राजस्थान की धरती पर करके दिखाना है। भाइयों बहनों, अभी हमारे धर्मेंद्र जी शिकायत कर रहे थे, वसुंधरा जी शिकायत कर रही थी, उनकी शिकायत सही है, लेकिन ये सिर्फ बाड़मेर की रिफाइनरी में ही हुआ है क्या? क्या सिर्फ पत्थर यहीं पर जड़ करके फोटो खिंचवाई गई है क्या? क्या पत्थर यहीं पर लगा करके लोगों की आंख में धूल झोंकी गई है क्या? जो लोग जरा रिसर्च करने के आदी हैं, बाल की खाल उधेड़ने की जो ताकत रखते हैं, मैं ऐसे हर किसी को निमंत्रण देता हूं कि जरा देखो तो सही कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली कैसी रही थी। बड़ी बड़ी बातें करना, जनता जनार्दन को गुमराह करना, ये कोई सिर्फ बाड़मेर की रिफाइनरी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है, उनके स्वभाव का हिस्सा है। जब मैं प्रधानमंत्री बना बजट देख रहा था और मैं रेलवे बजट देख रहा, तो मेरा जरा स्वभाव है, मैंने पूछा कि भाई ये रेलवे बजट में हम इतनी इतनी घोषणाएं करते हैं, जरा बताओ तो पीछे क्या हुआ है? आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, आपको सदमा पहुंचेगा। भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां देश को गुमराह करने का हक नहीं होता है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, कई सरकारें आई और गई, रेलवे बजट में 1500 से ज्यादा ऐसी ऐसी योजनाओं की घोषणाएं की गई जो आज उसका नामो निशान नहीं है, वैसे ही कागज पर लटकी पड़ी है। हम आए, हमने फैसला किया कि कुछ पल की तालियां कपाने के लिए संसद में जो सदस्य बैठे हैं वो अपने इलाके में कोई रेल का प्रोजेक्ट आ जाए तो ताली बजा दें और रेल मंत्री खुश हो जाए, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। यही सिलसिला चला, हमने आकर के कह दिया कि रेल बजट में ये वाहवाही लूटना और झूठी तालियां बजवाने का कार्यक्रम बंद। जितना होना तय है इतना ही बताइए, एक दिन आलोचना होगी, लेकिन देश को धीरे धीरे सही बोलने की, सही करने की ताकत आएगी और ये काम हम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए, वन रैंक वन पेंशन, मेरे फौज के लोग यहां बैठे हुए हैं, फौजियों के परिवार जन यहां बैठे हुए हैं, 40 साल वन रैंक वन पेंशन, इसकी मांग नहीं उठी थी,
क्या फौज के लोगों को बारी बारी से वादे नहीं किए गए थे? हर चुनाव के पहले इसे बुनाने का प्रयास नहीं हुआ था? ये उनकी आदत है। 2014 में भी आपने देखा होगा, 550 निवृत्त फौज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और वन रैंक वन पेंशन की बातें बुनानी, ये करते रहे। और बाद में जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों के सामने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, तब आनन फानन में, अफरा तफरी में, जैसे यहां रफ रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया, उन्होंने इंटरिम बजट में 500 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लिख दिया। देखिए, देश के साथ इस प्रकार का धोखा करना और फिर बुनाते रहे चुनाव में कि देखिए वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में हमने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा चलो भाई वन रैंक वन पेंशन लागू करो, हमने वादा किया है। तो अफसर समय बिताते रहते थे, मैंने कहा हुआ क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आपको जान करके हैरानी होगी, बजट में 500 करोड़ लिखा गया था लेकिन दफ्तर के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन है क्या, ये वन रैंक वन पेंशन के पात्रता किसकी है, उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा, इनको कैसे, आप हैरान होंगे। सिर्फ रिफाइनरी कागज पे थी, वहां तो वन रैंक वन पेंशन कागज पे भी नहीं था, न सूची थी न योजना थी, सिर्फ चुनावी वादा। भाइयों बहनों, उस काम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया, सब बिखरना पड़ा था, पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी, मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था, समेटते गए समेटते गए, फिर हिसाब लगाया कितने पैसे लगेंगे। भाइयों बहनों, ये 500 करोड़ रुपया तो मैंने सोचा शायद 1000 करोड़ होगा, 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा। जब हिसाब जोड़ने बैठा तो भाइयों बहनों, वो मामला 12000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया, 12000 करोड़। अब कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़ में कर रही थी, क्या उसमें ईमानदारी थी? क्या सच में फौजियों को कुछ देना चाहते थे? क्या फौज के निवृत्त सेनानियों के प्रति ईमानदारी थी? उस समय के वित्त मंत्री इतने तो कच्चे नहीं थे, लेकिन 500 करोड़ रुपए का टीका लगा करके जैसे यहां पत्थर जड़ दिया, वहां पर बजट में लिख दिया और हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों, हमें करीब 12000 करोड़ से ज्यादा बोझ आया,
तो मैंने फौज के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई मैंने वादा किया है, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले गए, मेरे लिए 12,000 करोड़ निकालना ईमानदारी से निकालना है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा प्रधानमंत्री जी आप हमें शर्मिंदगी शर्मिंदा मत कीजिए, आप बताइए आप हमसे क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता भाई, आपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी मदद कीजिए, मैं एक साथ 12,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाऊंगा, अगर मुझे देना है तो देश के गरीबों की कई योजनाओं से निकालना पड़ेगा, गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं इनको 4 टुकड़ों में दूं तो चलेगा? मेरे देश के वीर सैनिक 40 साल से जिस वन रैंक वन पेंशन को पाने के लिए तरस रहे थे, लड़ रहे थे, देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो प्रतिबद्ध था, वे चाहते तो कह देते कि मोदी जी सब सरकारों ने हमें ठगा है, हम अब इंतजार करने को तैयार नहीं है, आपको देना है तो अभी दे दो, वरना आपका रास्ता आपको मंजूर, हमारा रास्ता हमें मंजूर, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा देश का फौजी यूनिफॉर्म उतारने के बाद भी तन से मन से हृदय से फौजी होता है, देश हित जीवन के अंतकाल तक उसकी रगों में होता है, और एक पल के बिना, एक पल के बिताए बिना मेरे फौज के भाइयों ने कह दिया प्रधानमंत्री जी आपकी बात पर हमें भरोसा है, भले 4 टुकड़े करने पड़े 6 करने पड़े आप अपनी फुर्सत से कीजिए, बस एक बार निर्णय कर लीजिए, हम जो भी निर्णय करेंगे मान लेंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया, और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं, 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए हैं, और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है, और इसलिए सिर्फ पत्थर गिनना ही नहीं, ये देश में ऐसी सरकारें चलाना ये इनकी आदत हो गई थी। आप मुझे बताइए, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, 4 दशक से सुनते हुए आए हो कि नहीं आए हो, गरीबों के नाम पर चुनाव के खेल देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन क्या कोई गरीब के भलाई के लिए योजना नजर आती है? कहीं नजर नहीं आएगी। आजादी के 70 साल के बाद भी वो यही कहेंगे जाओ गड्ढा खोदो और शाम को कुछ ले जाओ और दाना पानी कर लो। अगर अच्छी तरह देश के विकास की चिंता की होती तो मेरे देश का गरीब खुद गरीबी को परास्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया होता। हमारी कोशिश है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, गरीबों का सशक्तिकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खोले। इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर किया गया लेकिन बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। आजादी के 70 साल बाद जब हम आए, हमने निर्णय किया हमारे देश का गरीब भी आर्थिक विकास यात्रा की मुख्य धारा में
उसको भी जगह मिलनी चाहिए। और हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की आज करीब 32 करोड़ ऐसे लोग जिनके बैंक में खाते खोल दिए गए। और भाइयों बहनों, जब बैंक का खाता खोला तब हमने कहा था कि गरीबों को एक भी रुपया दिए बिना बैंक का खाता खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। लेकिन मेरे देश का गरीब, कहने को भले गरीब हो, जिंदगी भर गरीबी से जूझता हो, लेकिन मैंने ऐसे मन के अमीर कभी देखे नहीं है जो मन का अमीर मेरा गरीब होता है। मैंने ऐसे अमीरों को देखा है जो मन के गरीब है, और मैंने ऐसे गरीबों को देखा है जो मन के अमीर है। हमने कहा कि जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खुलेगा, लेकिन गरीब को लगा नहीं नहीं, कुछ तो करना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी से आपसे कहते हुए गर्व होता है कि जिन गरीबों का जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट बना था, आज उन गरीबों ने 72,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक अकाउंट में जमा किया। अमीर बैंक से निकालने में लगा है, मेरा गरीब ईमानदारी से बैंक में जमा करने में लगा है। गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है भाइयों बहनों? आपको मालूम है, अगर गैस का चूल्हा चाहिए तो कितने नेताओं के पीछे घूमना पड़ता था, 6-6 महीने तक। एक पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलती थी कि आप एक साल में 25 परिवारों को गैस का कनेक्शन देकर के ऑब्लाइज कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी एमपी की खबरें आया करती थी को कूपन को भी ब्लैक में बेच देते थे। भाइयों बहनों, क्या आज भी मेरी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में जिंदगी गुजारे? क्या गरीब का कल्याण ऐसे होगा? हमने फैसला लिया कि मेरी गरीब माताएं बहनें जो लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में खाना पकाती है, एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है, और घर में जो बच्चे खेलते हैं वो भी धुएं के मारे मारे जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया, गरीब का भला करना है, नारों से नहीं होगा, उसकी जिंदगी बदलनी होगी। और हमने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 3,30,00,000 परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। लकड़ी का चूल्हा, धुएं की मुसीबतें इन करोड़ों माताओं को मुक्त कर दिया। आप मुझे बताइए, हर दिन जब चूल्हा जलाती होगी, गैस पर खाना पकाती होगी, वो मां नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? वो मां हमारी रक्षा करने के लिए प्रण लेती होगी कि नहीं लेती होगी? क्योंकि उसे पता है कि गरीबी से लड़ाई लड़ने का ये सही रास्ता नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल के बाद 18,000 गांव जहां बिजली न पहुंची हो, आप मुझे बताइए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन वो तो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है। उसके मन में सवाल उठता है
क्या ये आजादी है, क्या ये लोकतंत्र है, ये मैं बटन दबा करके सरकार बनाता हूं, क्या ये सरकार है जो मुझे आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंचाती है। और भाइयों बहनों, ये 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया, अब करीब 2,000 गांव बचे हैं, काम चल रहा है तेजी से, 21वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए उनको अवसर मिला। आजादी के 70 साल बाद आज भी 4 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है, जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी तब तक इन 4 करोड़ परिवारों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो गरीबों को एम्पावर करना पड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हम लेकर के चल दिए हैं। भाइयों बहनों, ये रिफाइनरी भी, यहां की तकदीर भी बदलेगी, यहां की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा। और वो कारखाने की 4 दीवारी में रोजगार मिलता है ऐसा नहीं है, उसके बाहर एक चेन चलता है, अनेक उसके समर्थन में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं। इतने बड़े उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचता है, गैस पहुंचता है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचता है, एक प्रकार से पूरे क्षेत्र की आर्थिक उसका मानदंड बदल जाते हैं। और जब इस प्रकार के लोग आएंगे, बड़े बड़े बाबू यहां रहते होंगे, तो अच्छे शिक्षा संस्थान भी अपने आप वहां बनने लगेंगे। जब इतनी बड़ी मात्रा में देश भर से लोग यहां काम करने के लिए आएंगे, राजस्थान के नौजवान काम करने के लिए आएंगे, कोई उदयपुर से आएगा, कोई बांसवाड़ा से आएगा, कोई भरतपुर से आएगा, कोई कोटा से आएगा, कोई अलवर से आएगा, कोई अजमेर से आएगा, तो उनके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी अच्छी आरोग्य की व्यवस्थाएं बनेगी जो पूरे इलाके का लाभ करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 साल के भीतर भीतर यहां कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं एक ऐसे कार्यक्रम को यहां आरंभ करने आया हूं जिसमें मेरा घाटे का सौदा है। भारत सरकार के लिए घाटे का सौदा है, पुराने सरकार वाला काम आगे बढ़ा होता तो भारत सरकार के खजाने में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। लेकिन ये वसुंधरा जी, राज परिवार के संस्कार तो है, लेकिन राजस्थान का पानी पीने के कारण वो मारवाड़ी वाले भी संस्कार है। उन्होंने ऐसे भारत सरकार को जितना चूस सकती है चूसने का प्रयास किया है।
ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के हित के लिए अपनी ही सरकार दिल्ली में है तो भी अड़ जाए और अपनी इच्छा मनवा करके रहे। मैं बधाई देता हूं वसुंधरा जी ने कि उन्होंने राजस्थान के पैसे बचाए और भारत सरकार को योजना सही कैसे बने उसको करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और उसी का नतीजा है कि आज वसुंधरा जी और धर्मेंद्र जी ने मिलकर के कागज पर लटके हुए इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं इन दोनों को बधाई देता हूं, मैं राजस्थान को बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोले भारत माता की। बाड़मेर की धरती से अब देश को ऊर्जा मिलने वाली है। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो ऊर्जा यहीं से चल पड़े, देश के हर कोने में पहुंचे, यही शुभकामनाओं के साथ खम्मा गणी। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। राजस्थान की धरती की सुखद यात्रा की यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मेरा आग्रह है सीएमडी एचपीसीएल श्री एम के सुराना से। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय, हेलो 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 हेलो